वर्क ऑर्डर के लिए हमारे पास ये तीन स्टेज रहते हैं, एनआईटी, एलओआई, वर्क ऑर्डर। तो ये जनरली ये हम लोग अभी ई प्रॉक पे काम करते हैं। तो रिसेंटली हमारा बात भी चल रहा है ई प्रॉक टीम के साथ इंटीग्रेशन का। तो उस केस में जैसे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो डेटा हमारा जीरो के अंदर बाई डिफॉल्ट इंटीग्रेट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना रहेगा। बट जब तक हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोगों ने एक सेकेंडरी एंट्री का पार्ट दिया हुआ, ताकि हमारे पास सिस्टम में डिटेल हमारे को मेंटेन रहे। हम एनआईटी में क्या क्या देते हैं, एलओआई या वर्क ऑर्डर में क्या देते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया है इसको यहाँ पे कवर करने का। ये एनआईटी, एनआईटी में आप देखेंगे तो आप जो ऑर्डर लेके आ रहे हैं उसका बाय डिफॉल्ट सेक्शन नंबर हमारा आ जाता है। वर्क ऑर्डर डिटेल हमारे सिस्टम से आ जाती है, हमारी सेक्शन अमाउंट कितना है, बीओक्यू अमाउंट कितना है, ये सब बाय डिफॉल्ट सिस्टम से आ जाती है। इसके बाद हमें चूज करना होता है बिट टाइप क्या है, बिट इट कवर्स जो हमारे जो बेसिक डिटेल रहती है, हमने यूपीएन नंबर हमें देना पड़ेगा। इसके में यूपीएन नंबर है हमारा पब्लिश किया है, बिट कब ओपन होनी है या बेसिक डिटेल्स है वो आप देंगे। जो भी आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसको। तो ये बेसिकली जो हमारी एनआईटी में क्या क्या डिटेल हम लोग ई प्रो को देते हैं वो ये हम यहाँ पर एंट्री करवा रहे हैं इस समय, जब तक हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपको ये डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा या उसका ई प्रो का नंबर देना होगा, उसमें डिटेल हम लोग सिस्टम से फैच कर लेंगे। एनआईटी के बाद हम लोग आते हैं एलओआई पे, उसके अंदर हम लोग हमारा जो भी लोवेस्ट बिडर है हम उसको पिक करते हैं, उसको हम लोग एलओआई के लिए डिस्पैच नंबर, डिस्पैच डेट क्या है हमारा, टेंडर किसने अप्रूव किया है, क्या सब्जेक्ट या उसको डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट आएगा, इसको हम लोग करके नेक्स्ट करते हैं। तो अभी अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये अभी मेरी सेकेंडरी एंट्री है, ये सिर्फ सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए जब तक ई प्रॉक नहीं हो रहा है तब तक हम करवा रहे हैं, उसके बाद आपको ये करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये केस है यहाँ पे जब हम लोग वर्क ऑर्डर इश्यू करते हैं तो वर्क ऑर्डर का नाम या जो डेट है बेसिक सिस्टम से हमारी डिटेल्स आ रही है। हमने कॉन्ट्रैक्टर पिछली स्क्रीन पर हमने ऑलरेडी पिक कर लिया था, तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्टर पिक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक कंप्लीशन पीरियड जो डिफाइन करते हैं, एक टाइम लाइन हमारी सिस्टम से आती है जो हमने फोरकास्टिंग को दिया था। यदि आपको लगता है कि इस स्टेज पे टाइम को हमें चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप शेड्यूल जी की, शेड्यूल एच की आइटम ऑपरेट होकर आती है, जिसको आप टेंडर प्रीमियम यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। और जो आपके बेसिक डिटेल है आप चेंज करेंगे, यहाँ पे आपका 1/8, 3/4 और 1/4 ये परसेंटेज बाय डिफॉल्ट ऑपरेट होकर आती है। यदि आपको लगता है फाइनेंशियल माइलस्टोन इससे डिफर है, 25, 50, 75 इनसे डिफर करते हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिस्टम डिफाइंड वैल्यू पे जो आपके जनरली आप लोग फॉलो करते हैं 12.5%, 37%, 75%, 100%, ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हमने पिक किया, ये टेम्पलेट के बेस पे वैल्यू पॉपुलेट होते हैं। अगेन आप ये वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपकी कन्वीनियंस के लिए है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। यदि आपको लगता है कि लैंग्वेज चेंज करनी है या कंटेंट चेंज करना है या कुछ भी आपको लगता है चेंज करना, तो आप उसको चेंज करके उसके बाद अप्रूव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है ठीक है तो आप डायरेक्टली को अप्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपका एक सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाता है वर्क ऑर्डर, ये आपका वर्क ऑर्डर इशू होता है टेम्पलेट के बेस पे। तो अभी तक हमने कवर करने की कोशिश की है कि हमारा प्रपोजल क्रिएट करना, टीएस क्रिएट करना, वर्क ऑर्डर किस तरह से हम लोग दे रहे हैं। अब हमारा पार्ट बचते हैं कि मॉनिटरिंग वाला पार्ट आया था। वर्क ऑर्डर देने के बाद हमारा पार्ट मेजर रहता है बिलिंग वाला। अब बिलिंग के लिए कुछ भी हमारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं, मैं इसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर थोड़ा सा टी ब्रेक लेते हैं